नाजरीन आप देख रहे हैं इंट्रिक्स न्यूज 24/7। हर ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए इंट्रिक्स न्यूज को, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। है कि मुख्तलिफ सिटी के आउटस्कर्ट्स पर वहाँ पर गौरक्षा के नाम पर कुछ गुंडे और बदमाश बैठते हैं और गाड़ियों को जबरन रोकते हैं, उनको रोकने का कोई इख्तियार नहीं है। इस सिलसिले में हम एक प्रोटेक्शन कमेटी, तहफ़ क़ुरबानी जानवर कमेटी नौजवानों पर मुश्तमिल बना रहे हैं। उसमें नौजवान भी है, बुज़ुर्ग भी है और समझिए कि ज़िम्मेदार भी है। वकला की एक बड़ी टीम भी उसमें मौजूद रहेगी और कहीं भी ऐसा वाक़या हो रहा है तो शहर के हर कॉर्नर पर यह टीम हमारी मौजूद रहेगी और फौरी उनकी मदद के लिए पहुँचेगी। पुलिस से भी बात करेगी, फिर उनसे अगर बात करना है तो बात भी करेगी। अगर मसला बात से नहीं, कुछ और मसले से तय हो रहा तो कुछ और मसले से भी मसले को हल करने की कोशिश करेगी। मुसलमान व्यापारी समझिए कि अपना नुकसान गैर जरूरी तौर पर बर्दाश्त नहीं करेगा। कुछ मुकामात पर कुछ समझिए कि दलाल बैठे रहते हैं जो पुलिस को भी मिसगाइड करते हैं, वो सिलसिला खत्म होना चाहिए। हमारे हर कोने पर, हर मकाम पर, सिटी के आउटस्कर्ट पर यह समझिए कि फोर्स मुसलमान नौजवानों की, बुजुर्गों की बैठे रहेगी और इसके ताल्लुक से एक नंबर जारी कर दिया जाएगा, एक नहीं और दो चार नंबर भी जारी कर दिए जाएंगे। उस पर आप फौरी इत्तला करें, यह फोर्स वहां पहुंचेगी। अतराफ व अकनाफ जहां ये रोकते हैं उसके अतराफ के इलाकों में भी मुसलमानों को हम अलर्ट कर रहे हैं कि आप बेबाकी से बगैर डरे और खौफ के इन गुंडों और जाबिरों का मुकाबला करें। ये एक बात। दूसरी बात यह हुई कि वक्फ बोर्ड की मौजूदा हैयत तरकीबी से हम मुतमईन नहीं हैं। वक्फ बोर्ड सियासी जमात के नुमाइंदों पर मुश्तमिल है, उनके दबाव के नतीजे में वक्फ बोर्ड के अराकीन और चेयरमैन का इंतखाब किया गया, क्योंकि चेयरमैन के साहिबजादे इंतहाई एक घनौने जुर्म में मुलविस है। हमारा मतालबा यह है कि तेलंगाना हुकूमत अगर वाकई में नेक नीयत है, वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से अगर उसकी राय बेहतर है तो ऐसे चेयरमैन को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ये मजहबी इदारा है। मजहबी इदारे पर बदनाम जमाना असाब की बरकरारी मुनासिब नहीं रहती। हम समझिए हुकूमत से मतालबा कर रहे हैं कि चेयरमैन को फौरी असर के साथ खत्म किया जाए। होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जिम्मेदारी है कि वो जाकर सीएम को कहें कि चेयरमैन को हटाया जाए, मेंबरशिप भी खत्म की जाए। अगर ये बात नहीं सुनी जाती तो आइंदा लाहे अमल के तौर पर हम इसको टेक केयर करेंगे और वफ की जमीनात और वफ के मसाइल पर हम समझिए कि अपनी राय हुकूमत की कारकर्दगी पर भी रखेंगे। जहां तक कि गुस्ताखान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरफ्तारी का ताल्लुक है, उस ताल्लुक से बहरहाल दो प्रोग्राम हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी में जेर बहस रहे। उसमें एक जंजीरी भूख हड़ताल का मसला है, दूसरा सिग्नेचर कैंपेन का मसला है। ये दोनों मसाइल पर बहरहाल काफी गौर वखोज किया गया है। ईद के बाद बहरहाल एक बड़ी समझिए कि मुस्तकिल जिद्दोजहद गुस्ताखान रसूल के खिलाफ जारी रहेगी और रियासती हुकूमत से हम मतालबा करते हैं कि वो रियासत में गुस्ताखान रसूल के खिलाफ एक अलहदा कानून बनाए। अगर कोई रियासत में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फिर किसी भी मजहबी पेशवा, चाहे वो हिंदुओं का हो, ईसाइयों का हो या किसी भी मजहबी पेशवा हो, अगर वो समझिए कि उनकी शान में गुस्ताखी होती है तो सख्त सजाओं का तयन हो और हुकूमत फौरी समझिए कि एक्शन ले। गुस्ताखान रसूल की गिरफ्तारी तक हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।